रहमानुल्लाह गुरबाज ने दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने न सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक किए बल्कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया को बताया कि दुनिया की टॉप नॉच बॉलिंग लाइनअप के सामने किस तरह की टॉप की बैटिंग की जाती है। एंड नो डाउट जिसकी जहां तारीफ बनती हो वहां जरूर करनी चाहिए। और आज रहमानुल्लाह गुरबाज एक्चुअली में तारीफ के मुस्तहिक भी ठहरे। जहां उन्होंने रिकॉर्ड तो बनाए बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान जैसी मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने इस तरह की जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और उसके साथ साथ उनका साथ रहीम जदरान ने भी भरपूर दिया। और इनके बोथ इनके जो ओपनिंग पेयर था अफगानिस्तान का उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा जो है वो ओपनिंग स्कोर फराहम किया अफगानिस्तान की टीम को और पाकिस्तान के खिलाफ भी अफगानिस्तान का ये अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग पेयर का स्कोर था। इसके अलावा अगर हम रहमानुल्लाह गुरबाज के इंडिविजुअल टारगेट की बात करें इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करें जो उन्होंने अकेले बनाए हैं तो वो अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की ओडीआई के अंदर बल्कि अपनी सेंचुरी को 150 में भी कन्वर्ट किया। उनके सामने पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर शाहीन शाह अफरीदी नसीम शाह और हारिस रऊफ रहमानुल्लाह गुरबाज के सामने बेबस नजर आए और ये हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो दूसरा रिकॉर्ड बनाया किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और श्रीलंका के ग्राउंड हंपनटूटा के अंदर अब तक कोई भी दुनिया का ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने सेंचुरी स्कोर की हो। इस तरह का ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के ऊपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर दुनिया का पहला खिलाड़ी होने का एहसास हासिल किया। आपके मुताबिक रहमानुल्लाह गुरबाज की ये इनिंग्स क्या हमेशा याद रखी जाएगी या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।